इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। चोपड़ा शहर में चोरी का दौर जारी है और चोर लगभग 3 लाख के कीमती सामान, 4.5 तोला सोना और 47,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। समझा जाता है कि एक पत्रकार ने 4 अज्ञात चोरों को पैसे लेकर भागते हुए देखा था। गुरुस्वामी के चिल्लाने पर लोगों ने गृहस्वामी पर पथराव कर दिया और चोरी का सामान लेकर भाग गए। प्रभारी पुलिस निरीक्षक कावेरी महादेव कमलाकर, उप निरीक्षक अजित सावले ने घटना स्थल का दौरा किया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। पिछले 2 महीने से शहर के चोरों का आतंक मचा हुआ है और लोहे के यार्ड काटकर और खिड़कियां तोड़कर चोरी की साजिश रच रहे हैं। कुछ जगहों पर लुटेरों के हौसले बुलंद है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में कैद लुटेरों का वीडियो पुलिस के हाथ आ गया है। अब समय आ गया है कि वरीय स्तर के तत्काल संज्ञान लेकर चोरों को कुचला जाए। इन दुस्साहसी से चोरों ने एक बार फिर शहर कॉलोनी क्षेत्र के नागरिकों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। दादा चोरी किती वाजता झाली बर माहिती आहे का अंदाज? 4 वाजता काय काय गेलेले? 4.5 तोळे सोनं होतं आणि 47,000 रुपये कॅश। 4.5 तोळे सोनं, 47,000 कॅश आणि बाकी दुसरं काही चोरीला गेलंय? घड्याळ गेली, वॉच, लेडीज आणि मोबाईलचं पॉवर बँक गेलं। अजून दुसरं काही वस्तू आता ते पाहिलं नाही यार। असं आहे का? पोलीसवाले आले होते का? आता हो, पोलीसवाले पाटील साहेब होते। कोण? पाटील साहेब स्वतः आले का? एरियाचं नाव काय बरं? रामपूर नगर चोपडा। प्लॉट नंबर? 23। तुमचं नाव? ज्ञानेश्वर बाबूराव पाटील। ठीक। रामपूरमध्ये जी घटना घडली मॅडम, ती किती चोरी झाली मॅडम तिथं? चोपडा शहरामध्ये रामपूर नगरमध्ये घरफोडी झालेली आहे। मागच्या बाजूने भिंतीच्या कंपाऊंडवरून उड्या मारून खिडकीचे ग्रिल कापून चोरी केलेली आहे चोरांनी। त्यामध्ये अंदाजे 4 तोळे सोनं आणि 41,000 रुपये माल चोरीला गेलेला आहे। फिर्यादीला बोलून फिर्याद घ्यायचं काम चालू आहे। पुढील चौकशी होईल, काय अजून निष्पन्न होईल, चोरांचा अजून तपास लागलेला नाही, शोध चालू आहे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।